हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी की अपकमिंग मूवी बैटमैन को लेकर, जिसकी हाल ही में ही काफ़ी सारी इमेजेस हमें देखने को मिली हैं। तो क्या है वो इमेजेस, सब बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। डीसी की अपकमिंग बैटमैन, जिसमें रॉबर्ट पैटिनसन बैटमैन का रोल कर रहे हैं, ये मूवी हमें 2021 में देखने को मिलने वाली है। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं मैट रिवर्स। हाल ही में ही मूवी के सेट से काफ़ी सारी इमेजेस सामने आए हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं मूवी की कास्ट के बारे में, कि कौन सा एक्टर कौन सा रोल करने वाला है मूवी में। मूवी में एंडी सर्किस, जो कि एल्फ्रेड का रोल करने वाले हैं मूवी में। बात करें अगर जेफरी राइट की, जो कि कमिश्नर गॉर्डन का रोल करेंगे। वहीं पॉल डेनो रिडलर के कैरेक्टर में नजर आएंगे। वहीं जॉ क्रेविट्स भी इस मूवी से जुड़ गई है, जो कि कैट वुमेन का रोल करेंगी। हाल ही में ही खबर थी कि मूवी की कास्ट में कॉलिन फेरल का भी नाम जुड़ चुका है, पर कॉलिन फेरल इस मूवी में कौन से कैरेक्टर निभाने वाले हैं इसके ऊपर कोई भी डिटेल नहीं थी। पर फिर सेट से एक इमेज सामने आई, जिसमें हम कॉलिन फेरल को एक अम्ब्रेला के संग देख सकते थे, और फैंस ने अंदाज़ा लगाया कि वो पेंगुइन का कैरेक्टर निभा रहे हैं। फिर फिल्म के डायरेक्टर मैट रिवर्स ने सामने आके ये बात कन्फर्म की कि कॉलिन फेरल जो है वो पेंगुइन का कैरेक्टर निभा रहे हैं इस मूवी में। मूवी की जो स्टोरी होने वाली है वो बैटमैन की ही कॉमिक द लॉन्ग हैलोवीन से रिलेटेड होने वाली है। कॉमिक बुक में मर्डर मिस्ट्री डिटेक्टिव से रिलेटेड कॉमिक बुक थी, जिसमें हमें बैटमैन का डिटेक्टिव फॉर्म देखने को मिला था। मूवी में ही रॉबर्ट पैटिनसन बैटमैन के रोल में नजर आ रहे हैं, जो कि डिटेक्टिव फॉर्म में नजर आएंगे मूवी में। कॉमिक की तरह ही बैटमैन हमें इस मूवी में डिटेक्टिव फॉर्म में नजर आने वाला है। तो अब आगे बात करेंगे इमेजेस की, जो कि हमें हाल ही में ही देखने को मिली मूवी के सेट से। ये इमेजेस मूवी के सेट से ली गई हैं, जिसमें हम एक वैन को देख सकते हैं जिस पर गौतम का टैग लिखा है। वहीं हम पुलिस की कार्स को भी देख सकते हैं। अब ये सीन कौन सा शूट हो रहा है ये तो हमें मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। वहीं बाकी पिक्स में हम गौतम सिटी के पुलिस ऑफिसर्स को देख सकते हैं। मूवी की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है, और मूवी हमें 2021 में देखने को मिल जाएगी। वहीं आगे एक पिक में हमें रॉबर्ट पैटिनसन का लुक भी देखने को मिला, जिस पिक को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रॉबर्ट पैटिनसन का लुक हम इस इमेज में देख सकते हैं, जो कि बाइक पर बैठे हुए हैं। यूँ तो मूवी के सेट से काफ़ी सारी इमेजेस सामने आती रहती हैं, पर बैटमैन की कॉस्ट्यूम को लेकर अभी तक तो कोई भी इमेज सामने नहीं आई है। तो जैसे ही कोई इमेज सामने आएगी मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको को अपडेट दे दूंगा। बात करें अगर रॉबर्ट पैटिनसन के इस लुक की, तो ऐसा ही लुक हम बैटमैन की कॉमिक में बैटमैन का भी देख चुके हैं। कॉमिक का नाम था जीरो ईयर, जिसमें बैटमैन का भी हमें कुछ ऐसा ही लुक देखने को मिला था। उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी कुछ इमेजेस देखने को मिले मूवी के सेट से, जिसमें हम बैटमैन की कॉस्ट्यूम से रिलेटेड भी डिटेल निकाल पाएँ। तो कोई भी अपडेट आएगा उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो आप बैटमैन के लिए कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पर्सनली मैं तो इस मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। वीडियो पसंद आया, अपडेट पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के संग। जय हिंद, वंदे मातरम।